आजा भाई, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ तुमको। दोस्तों अभी हो चुकी है मॉर्निंग और सारे भाइयों को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों मैंने हमारे सारे पिजन बाहर छोड़ दिए, ये देखो भाई धूप सेकने के लिए कैसे बैठते हैं। और मैंने इनके लिए अभी फ्रेश वाटर भी रख दिया क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी आई हुई, तो ये आज नहाना मतलब पसंद ही करेंगे यार। इसी की वजह से मैंने यहाँ पे पानी रख दिया। अभी थोड़ी देर में हमारे सारे पिजन यहाँ पे नहाने के लिए आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो हमारे पिजन्स ने नहाना स्टार्ट कर दिया है और ये एक एक करके सारे अभी नहा लेंगे और नहाने के बाद ये यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठ जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि यार इनके लिए ये टब कम पड़ रहा है, तो मैं और एक यहाँ पे टब ऐड कर देता हूँ, मतलब हमारे सारे पिजन आराम से नहा सके। अभी ये वाला टब मैं फिर से पानी से भर देता हूँ और इनको मैं नहाने के लिए रख देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने इनके लिए और एक टब यहाँ पे रख दिया और इनको देख कर यार मुझे हमारे क्वैकर्स गैंग की याद आ रही यार। सेम ये ऐसे ही नहाया करते थे हमारे इन टबों में, छोटे हमारे स्विमिंग पूल में। तो इनका अभी नहाना कंप्लीट हो गया और ये देखो भाई ये सारे के सारे अभी ना यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठेंगे। और हमारी ग्रे क्या कर रही है उसको भी मैं देख लेता हूँ। ये देखो यार ग्रे उनके बेबीज के साथ बैठी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आज इनके बेबीज को देख लेता हूँ कितने बड़े हुए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ग्रे बैठी हुई है और ये उसके बेबीज देखो यार कैसे सोए हुए है। और इनका आप अभी कलर देख सकते हो, कल थोड़ा फेंट कलर लग रहा था, आज पूरा डार्क कलर इनका हो चुका है। हमारी ग्रे तो ग्रे कलर की है और इनका कलर कुछ मुझे ऑरेंज ऑरेंज येल्लो येल्लो सा लग रहा है। ये देखो भाई, ये देखो बहुत ज्यादा एक्टिव है यार ये चारों के चारों। बस भाई अभी एक ही इंतजार है, इनके जैसे ही आंखें खुलेंगे ये बाहर आना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, और इनको देखने में बड़ा मजा आने वाला है हमें। अभी तो सारे पिजन्स आ गए दोस्तों, ये देखो भाई सारे अभी धूप सेकने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और दोस्तों आज हमें क्या करना है यार, बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम करना है, आपको बता दो मैं। दोस्तों आज हमें हमारा जो मॉन्स्टर टैंक है, मतलब ये वाला जो मॉन्स्टर टैंक है, इसका हमें पूरा वाटर चेंज करना है, 100% वाटर चेंज करना है, क्योंकि इसे कम्प्लीट यार 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके हमने इसका वाटर चेंज नहीं किया है। हम क्या किया करते थे यहाँ पे, सिर्फ 50% मतलब पूरे फिश रूम का हम यही करते यार, इनका 50% ऐसा वाटर निकल लेते हैं और 50% यहाँ पे न्यू वाटर हम ऐड कर देते थे एक हफ्ते में एक बार, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले दोस्तों, पूरा वाटर इसका निकल लेंगे और यहाँ पे मतलब जितनी भी इसकी गंदगी वगैरह तो नहीं होगी यार, बट जितनी भी कुछ होगा कचरा वगैरह हम सारा का सारा हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। और हमारे ऑस्कर फिश वगैरह यहाँ से फिर से हम ऐड कर देंगे, ओके। आज ही हमें काम करना है। और सेकेंड वाला मतलब ये वाले टैंक में हमारे जितने भी टाइगर बाफ फिश है, ये सारे के सारे मैं हमारे कलर वीडियो फिश के साथ शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये बड़े अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे हमारा एक सरप्राइज आने वाला है कल, ठीक है। तो उस सरप्राइज के लिए हमें वो भी टैंक सेटअप रेडी करना है, ओके। तो चलो यार आज हम यही काम जल्दी जल्दी फटाक से करते हैं। और दोस्तों आपको पता था हमने हमारे जो टेरेस वाले ये वाले जो टब थे ये पूरे हमने भर दिए थे कल, ओके। तो इनको भरे हुए अभी कंप्लीट, एक दिन तो कंप्लीट हो चुका है, और ये इसे हमने खाली रखा था क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारे मॉन्स्टर टैंक का जो वाटर चेंज करने वाले थे तो वो फिश हम कहाँ रखे, ठीक है ना। तो इसी की वजह से मैंने ये टब खाली रखा था। तो चलो भाई अभी मैं इसे नीचे लेके जाता हूँ और हमारे सारे फिश मैं इसमें ऐड कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर हम मॉन्स्टर टैंक में शिफ्ट कर देंगे। भाई हमारा इतना बड़ा टब है ना यार, आसानी से नहीं जा सकता भाई नीचे। तो दोस्तों मैंने इसे रख दिया यहाँ पे और अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इनका ही मैं वाटर इतना निकल लेता हूँ और यहाँ पे हमारे सारे फिश में शिफ्ट कर देता हूँ, ओके। तो चलो भाई जल्दी जल्दी करते, बड़े ही संभाल कर निकालना पड़ता है भाई हमारे मॉन्स्टर फिश को, क्योंकि ये हमें डैमेज भी कर सकते हो, खुद डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको निकालना मतलब बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है यार। दोस्तों ये देखो, ये है हमारा सिंपल सा जुगाड़ जो कि मैंने यहाँ पे नली ऐड कर दी और दूसरी नली यहाँ पे पानी भर रही है, ओके। और हमारे फिश अभी भी कंफर्टेबल है, बट हमारे बॉब को पता चल गया है कि भाई आज पानी चेंज हो रहा है, ठीक है। बट इसको पता नहीं यार इसका पूरा 100% पानी चेंज होने वाला है, इसलिए शांत है ये। 50% पानी चेंज होता है इनको पता है हर हफ्ते, तो इसी वजह से शांत होते हैं। बट जैसे ही मैं यहाँ पे इनको पकड़ूंगा ना भाई, आप देखना यार ये जैसे जंप करने का देखने के भाई ये। तो दोस्तों मैंने अभी इनका जो वाटर है ये कम कर लिया और यहाँ पे इतना वाटर भर लिया कि ये आराम से 1 घंटे के लिए यहाँ पे रह सकते हैं। और अभी मैं इनको कौन से वाले नेट से पकड़ने वाला हूँ, जो कि ये वाले नेट है, ठीक है। इसी नेट से मैं इनको पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि इस नेट से पकड़ूंगा तो ये आराम से आ जाते हैं यार, छोटे नेट लूंगा तो ये उसको डैमेज भी कर सकते हैं, और ये अच्छे क्वालिटी की नेट है और मैं इसको आराम से पकड़ लूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं हमारे अल्बाइनो वाले शार्क को पकड़ूंगा, क्योंकि इसकी एक आंख तो ब्लाइंड है, तो इसी की वजह से इसे पकड़ने में थोड़ी आसानी जाने वाली, ओके। तो चलो भाई, ओए इसको पता चल गया है भाई कि मैं इसे पकड़ने वाला हूं। ये देखो भाई, इसे भी पता चल गया है, शांति यार।
मैंने अभी सब पकड़ लिया। इसकी साइज देखो यार कितनी बड़ी हो गई। ये देखो दोस्तों, जाओ भाई पहला वाला शार्क तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो दोस्तों अभी सेकंड वाला मैं हमारा जो ब्लैक वाला शार्क है उसको पकड़ने वाला हूँ भाई, क्योंकि ये सबसे बड़ा शार्क है यार हमारा जो डेजी फिश का। ये वाली नेट में बड़ी इजी हमारे शार्क आ जाते हैं यार। जाओ ये देखो मैंने हमारा सेकंड वाला शार्क भी यहाँ पे छोड़ दिया। तो दोस्तों अभी थर्ड वाला मतलब हमारे बॉब की बारी यार। चल भाई बॉब, बॉब तो बड़ा शांत है यार आज। बॉब बॉब बॉब, ओहो दोस्तों ये है हमारा बॉब। ये देखो भाई, जाओ भाई जाओ जाओ, शांति शांति शांति, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। ये देखो हमारा बॉब भी भाई बड़ा ही शांत है, पता नहीं क्यों इस बार, नहीं तो हर बार भाई ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ये हमारी छोटी वाली शार्क अभी, ये तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके तो इसको मैंने छोड़ दिया। तो ये अभी हमारी फोर्थ वाली शार्क, ओए बहुत ही संभाल के इजी तरीके से दोस्तों मैंने इसे पकड़ लिया। जाओ भाई ये गया दोस्तों, आराम से हमारा मिशन कंप्लीट। अभी प्लेको फिश को पकड़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। चलो इसको भी पकड़ लेते हैं। चल भाई प्लेको आजा, ये हमारे द डेजी फिश का सबसे बड़ा प्लेको है। ये देखो इसे पकड़ने में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ये देखो इसकी साइज देखो यार, ये देखो दोस्तों। ओए ओए चल भाई तू भी जा। तो दोस्तों अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप होगी कि भाई ये वाले हमने जो यहाँ पे ग्रीन मैट यहाँ पे रखी हुई है, ये सारी मैट अभी मैं निकालने वाला हूँ। ओके तो दोस्तों पता नहीं यार हमारे ग्रीन मैट में कितना कचरा निकलता है, क्योंकि यार इसको मैंने कंप्लीट 6 महीने के बाद भी निकल रहा हूँ यार। वो यार यहाँ पे मैंने स्नेल यहाँ पे छोड़े थे, तो ये देखो यार दोनों के दोनों स्नेल मतलब डेड हो चुके हैं। ठीक है, इनका सिर्फ शेल है जो कि बहुत ही मतलब देखो यार पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे मैंने स्नेल छोड़े थे, पता नहीं यार ये इनके अंदर का कहाँ गया, पता नहीं यार। चलो इनको मैं साइड में रख देता हूँ। तो चलो यार अभी बाकी सारे के सारे चीज़ें निकालता हूँ। और आज हमारे फिश रूम में मतलब पूरा पानी ही रहने वाला है। ये देखो पूरा पानी पानी हो गया, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हिलचल करते हैं ना हमारे मॉन्स्टर फिश जब पानी इनका चेंज करते हो तब। और एक स्नेल दिखी यार मुझे यहाँ पे, ओए इसकी भी डेथ हो चुकी है पता नहीं क्यों। तो चलो यार अभी मैं ये ग्रीन वाली मैट निकाल लेता हूँ। अभी इसके नीचे क्या हमें मिलता है क्या नहीं मिलता पता नहीं। ओहो भाई आप इसके नीचे कचरा देख सकते हो भाई, ये देखो मतलब ये ऊपर से सिर्फ दिखा हुआ था और इसके नीचे पूरा कचरा जमा हुआ है यार। अभी मैं इसे जैसे जैसे निकल रहा हूँ वैसे वैसे कचरा निकल रहा है भाई यहाँ से, पूरा निकाल देता हूँ पहले। ओहो भाई इसे अच्छे से धोना होगा यार आज। चलो भाई हट जाओ। भाई मैं बिलीव नहीं कर सकता यार इतना कचरा ग्रीन मैट के नीचे था। ये देखो भाई पूरा टैंक का पानी ब्लर हो चुका है यार। ओहो मतलब एक ग्रीन मैट हमने ऐड की तो इसका एक अच्छा भी मतलब रिजल्ट आया कि यार हमें कचरा बिल्कुल भी नहीं दिखा इतने दिनों तक। और ये देखो भाई पूरा पानी अभी भी ठीक है और हमारी सारी फिश तो यार अच्छी ही यार, उसको कोई दिक्कत नहीं, सारी फिश हेल्दी है। तो चलो यार दोस्तों मैं अभी क्या करता हूँ अच्छे से टैंक वगैरह मैं क्लीन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो शार वगैरह बहुत है देखो यार, ये शार वगैरह भी हमें अच्छे से निकाल लेने होंगे, क्योंकि कांच ना पूरा ब्लर हो चुका है हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से धूप भी आती ना, धूप और न्यू वाटर हम भरते ना, तो इसी की वजह से यहाँ पे पूरा क्षार आ चुका है। तो ये अच्छे से हमें निकालना होगा। देखो भाई पूरा अलगी और क्षार है यहाँ पे। तो इनका जो कचरा है ये निकालने का बहुत इजी काम है। ये देखो यार कुछ ऐसा मुझे नली लेना है और ये देखो भाई सारा कचरा कुछ साइपम हो जाएगा। ये देखो मैं ऐसा ही इनका कचरा हर रोज निकालता हूँ, क्योंकि टैंक इतना उठाने में भाई हमें नहीं उठा देगा यार, क्योंकि क्रैक वगैरह हो सकता है। तो मैं ऐसे ही कचरा इसका निकाल लेता हूँ। ये देखो भाई बहुत ही इजी काम है ये कचरा निकालने का। दोस्तों ये वाले हमारे जो ग्रीन मैट है इसे अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। ठीक है, सबसे पहले इससे ब्लैक वाटर आया, उसके बाद ब्राउन हुआ, उसके बाद अभी फ्रेश वाटर आ रहा है। तो ठीक है, इसी की वजह से अभी ये मतलब अभी हम समझ सकते हैं कि अभी पूरा क्लीन हो चुका है, क्योंकि अच्छा पानी आ रहा है। चलो ठीक है, तो अभी इसे थोड़ा सूखा लेता हूँ, फिर मैं अंदर ऐड कर देता हूँ टैंक के अंदर। तो दोस्तों थोड़ी देर मैंने तो इसे ऐसे ही सूखने के लिए अभी यहाँ पे छोड़ दिया है। अभी 10-15 मिनट इसे अच्छे से सूखा लेंगे, क्योंकि आज धूप बहुत ही कड़क है। तो इनका वाटर हमें चेंज
करते करते यार 3 घंटे लग गया है कंप्लीट, ठीक है ना, थोड़ी देर में अभी शाम भी हो जाएगी। और दोस्तों मैंने क्या किया, ये देखो यार, यहाँ पे मैंने ग्रीन मैट भी ऐड कर दी और न्यू वाटर भी ऐड कर दिया, ठीक है, और ये वाला भी टैंक मैंने क्लीन कर दिया। सिर्फ यहाँ से हमारे सारे टाइगर बाग उठाकर हमें यहाँ पे शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हमारे जो मॉन्स्टर फिश है यार कब की इस टब में, ठीक है, उससे 2.5 घंटे इनको यही पे हो गए यार, ठीक है। तो चलो यार मैं अभी इनको यहाँ से उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ इनके न्यू वाले टैंक और सॉरी न्यू वाले वाटर में। अभी तो पूरा न्यू वाटर है भाई, ठीक है। पहले दोस्तों मैं हमारे बॉब को शिफ्ट करने वाला हूँ। बॉब शांति शांति शांति, कोई नहीं भाई, जाओ भाई जाओ 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 जाओ। ये गया दोस्तों हमारा बॉब। ओहो कैसे लग रहा है भाई बॉब तुझे यहाँ पे, हेलो। चलो अभी मैं हमारी अल्बिनो शार्क शिफ्ट कर देता हूँ यार, प्लेको को करता हूँ पहले। चलो भाई प्लेको आ जा, चलो प्लेको को भी कर दिया। अभी शार्क की बारी भाई, शार्क को पकड़ने के लिए नेट की जरूरत होती है यार, ठीक है ना, ये ऐसे नहीं आती यार। चलो भाई आ जा। तो अल्बिनो शार्क भी मैंने दोस्तों छोड़ दी यहाँ पे, तो अभी हमारी ब्लैक वाली शार्क की बारी। फाइनली दोस्तों जिम्मेदारी वाला काम खत्म और हमने इसको सक्सेसफुली, इनका वाटर है जो कि हमने चेंज कर लिया है। बड़े ही जिम्मेदारी वाला काम होता है यार, ठीक है ना, क्योंकि ये जंप भी कर सकते हैं और उनको खुद को डैमेज भी कर सकते हैं और हमें भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको बड़े ही संभाल कर भाई बाहर निकालना पड़ता है मॉन्स्टर फिशेस को। तो चलो यार इनका वाटर तो मैंने 100% पूरा चेंज कर दिया है, अभी कोई दिक्कत नहीं यार इनको। हेलो बॉब, कैसा लग रहा है यार न्यू वाटर में तुझे? और इनका थोड़ा कलर देखो यार, थोड़ा हल्का सा फेंट हो चुका है, पता नहीं क्यों पूरा हल्का हल्का सा फेंट हो चुका है। दोस्तों अभी ये जितना भी वाटर है ये मैं हमारे जितने भी बाहर प्लांट्स है ना, सारे प्लांट्स को मैं वाटर दे देता हूँ, क्योंकि फिशेस का जो वाटर था प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं वही डालता हूँ और हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो भी होते हैं यार। तो दोस्तों ये वाला तो अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा मॉन्स्टर पॉन्ड का जो टैंक का जो वाटर है तो हमने कंप्लीट कर लिया और मैंने प्लांट्स को भी पूरा वाटर ऐड कर दिया। तो अभी यार हमारे जो टाइगर बाग फिश है मैं इनको उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ हमारे कलर वीडियो के साथ, ठीक है। दोस्तों मैंने हमारी टाइगर बाप फिश हमारे कलर वीडियो के साथ यहाँ पे शिफ्ट कर दी और ये देखो यार यहाँ पे कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी टाइगर बाप फिश और ये हमारे कलर वीडियो और हमें जो गिफ्ट मिली थी हमारी ये कोई फिश, ये भी अच्छे से इनके साथ अच्छे से सेट हो चुकी है। और दोस्तों अभी ये वाला जो टैंक हमने रेडी करके रखा है, मतलब अभी यहाँ पे मैंने मटकी या ऐड की है, तो यहाँ पे जो फिश आने वाला है ना तो वो सरप्राइजिंग फिश है, क्योंकि यार मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे, कब का कह रहे थे यार कि आप वो फिश ऐड करो 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 करो। तो फाइनली दोस्तों मैंने वो फिश ऑर्डर कर दी और 24 घंटे के अंदर वो फिश हमारे पास आ जाने वाली है, ठीक है ना यार, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ और वो फिश मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसी की तैयारी चल रही है यार, वो फिश यहाँ पे रहने वाली है हमारी सरप्राइजिंग फिश जो कल आने वाली है, और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना वो कौन सी फिश है। दोस्तों आज हमने हमारे सेटअप का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारे मॉन्स्टर टैंक का जो वाटर था वो कंप्लीट मतलब पूरा चेंज करना था हमें, ओके। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है और कल यहाँ पे हमारी सरप्राइजिंग फिश आने वाली है, जो कि आप मुझे कमेंट में जरूर बताना वो कौन सी फिश है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो ध्रुव अभी हमें क्या करना है, हमें करनी है हमारे फिश की सफाई, क्योंकि भाई देखो यार ये मॉन्स्टर भाई कितना 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 पूरा पानी पानी हो चुका है यार, ठीक है।